एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल फार्मा आरोग्य पे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। रोज सुबह उठ के दांतों को साफ करना तो हर किसी को याद रहता है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जीभ को भी साफ करते हैं। जो अपनी जीभ को साफ करने के लिए टंग क्लीनर का यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने टंग को जीभ को नहीं क्लीन करते हैं। हम अपने मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए ब्रश तो कर लेते हैं, पर हम अपनी जीभ को साफ नहीं करते हैं। जो भी हम खाते हैं उसका हमारी जीभ पर एक परत, एक लेयर बन जाती है, जिसे यदि हम साफ नहीं करेंगे तो बहुत सी बीमारियां हमें मुंह लगा लेती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि टंग क्लीनर मतलब जीभ को क्लीन करना कितना जरूरी है। जब आप टंग क्लीनर का यूज करते हैं, अपनी जीभ को साफ करते हैं, तो आपका जो पाचन तंत्र है वो भी सही रहता है। यदि हम अपनी जीभ को साफ नहीं करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र हमारी सेहत को खराब कर देता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी जीभ को साफ नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब आप टंग क्लीन नहीं करते हैं तो आपके जीभ में एक सफेद रंग की परत दिखाई देने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, शरीर में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, शरीर में आपको दर्द भी हो सकता है, आपको कब्ज, डायरिया, सूजन और थकान भी हो सकती है, और इसके साथ आपको भूख भी कम लग सकती है। तमाम वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।